नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। पाकिस्तान की चीन से बढ़ती नजदीकियों का एक नया आयाम तब मिला जब पाकिस्तान ने चीन की राष्ट्रभाषा मंदारिन को अपने देश की ऑफिशियल भाषाओं में शामिल कर लिया। जी हां, पाकिस्तान ने अपनी खुद की भाषा को अभी तक ऑफिशियली भाषाओं में शुमार नहीं किया, लेकिन चीन की और भाषा को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि दोनों देशों के आपसी रिश्तों के लिहाज से ये कदम बहुत ज़रूरी था। इसी सिलसिले में आगे कहा गया कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बीतते समय के साथ गहरे होंगे। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को चीन पाकिस्तान कॉरिडोर से जोड़ना है और पाकिस्तान और चीन के लोगों को एक दूसरे से जोड़ना इस भाषा के जरिए आसान हो जाएगा। वहीं पड़ोसी देश का ये भी मानना है कि पूरे साउथ एशिया में इसे ऑफिशियल भाषाओं में शुमार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान में प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषाओं में पंजाबी और पश्तो जैसी भाषाओं को अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज में शुमार नहीं किया गया। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक देश में लोग चीन की इस भाषा को सीखने के लिए आतुर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें देश और दुनिया की ताकत का रुख बदलता नजर आ रहा है और लोगों को लगता है कि अगर उन्हें मंदारिन आएगी तो उनका भविष्य उज्जवल होगा।